अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो व्यूअर्स, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरी वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। तो आज जो मैं वीडियो लाई हूँ, मतलब ब्लॉग लाई हूँ, वो है एक रेमडी जो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। मैं ख़ुद भी यूज़ करती होती हूँ और मैंने सोचा आज मैं अपनी बहनों को ये भी बताऊँ, सिखाऊँ ताकि वो भी यूज़ करें और फ़ायदा उठाएं। बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है और करती भी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं लाई हूँ, ये है थोड़ा सा बेसन एक प्याली और ये है एक लेमन और हल्दी है और ये गुलाब का अर्क है थोड़ा सा। तो जिनकी जिल हो जाती है, खुदरी हो जाती है या चेहरे की या छाइयाँ जाती हैं, दाने निकल आते हैं और पसीना आता है बार बार और रंगत भी काली हो जाती है, हल्के पड़ जाते हैं, तो वो इस तरह ये बना के बेसन, गुलाब का अर्क और ये लेमन एक और हल्दी डाल के मिक्स करके बना के अपने चेहरे के ऊपर ये लेप लगा सकती हैं। 10-15 मिनट तक आप रख के फिर जब सूख जाए तो उतार देना और इससे रंगत जो होती है चेहरे की वो निखार देती है, कलर वाइट हो जाता है और नरम मुलायम करती है जिल्द को। ये बहुत ही मुफीद है, बहुत अच्छी है, घरेलू टोटका है। तो ये चीज़ें सारी घर में ही मिल जाती हैं, बाहर से लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको बताती हूँ, शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत इजी होती है, कोई भी बना सकता है। तो ये बहुत मुफीद है, बहुत अच्छी है, ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। मैं भी कभी कभी लगा लेती हूँ, हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाना चाहिए। ये हमने 2 टेबल स्पून ये बेसन ले ली है और ये 1/2 टेबल स्पून ये हल्दी ले ली है और ये एक इसमें हम लेमन ऐसे निचोड़ देंगे। और थोड़ा सा इसमें गुलाब का अर्क डालेंगे, दूध भी डाल सकते हैं और पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये अर्क गुलाब लिए। इससे भी एक तो अच्छी खुशबू आ जाती है और दूसरा सही नरम मुलायम जिल्द को रखता है। आप अपनी गर्दन पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहें। मैंने सिर्फ फेस के लिए थोड़ा सा बनाया है। तो देखें, ये मेरा मास्क तैयार हो गया है। ये मैंने अब मिक्स कर लिया अच्छी तरह। ये आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, गर्दन पे लगा सकते हैं, बाजुओं पे, हाथों पे लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है और अपना ख्याल रखना चाहिए। तो ये बहुत इजी है, घर में सारी मौजूद होती हैं चीज़ें जिनसे हम बना सकते हैं, लगा सकते हैं। 15 मिनट आपने लगाई रखना है, लगाने के बाद जब सूख जाएगा तो आपने मुंह अच्छे से साबुन के साथ धो लेना है या फेस ब्रश मिलते हैं उससे कर लें, वॉश कर लें। तो रिज़ल्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा, मिल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा बना है, ये बिल्कुल अच्छा सा। ये ऐसे आप लेप बना के कर सकते हैं, मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है और फ़र्क दिखाता है, हफ्ते में 2 बार लगाना चाहिए। और मैं तो, मेरे पास टाइम हो तो मैं 2 बार लगा लेती हूँ, अगर टाइम ना हो तो मैं हफ्ते में 1 बार लगाती हूँ, लेकिन जिनके पास टाइम होता है वो लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज मेरी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग जो मैंने आप सबके साथ शेयर करना था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो
प्लीज़ मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो पूरी देखा करें और लाइक भी किया करें, व्यूज़ भी दिया करें। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने अपने घरों में और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे।